मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन में शामिल होने मंडला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम रपटा घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद दोनों नेताओं सहित भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके पश्चात मुख्यालय में सीएम यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कुलस्ते ने निषाद राज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते का नामांकन दाखिल कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू भी हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर के मेरे साथ हमारे खजुराहो सांसद और भाजपा के हमारे विश्वनाथ शर्मा जी मिलकर कार्यकर्ताओं की सभा करने के साथ रोड शो करते हुए आज यहाँ फॉर्म भरने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी का हमने नामांकन फॉर्म जमा कराया और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है, निश्चित रूप से मंडला सहित हम सभी लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए, खास करके माननीय मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी जनता, पूरा देश एकजुट हुआ है, सबके लिए बधाई।